ललिता जी, आप इतना ध्यान रखती हैं बच्चों का, फिर भी कृष्णा यूएसए। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा यशोदा जी, 50 से ज्यादा बच्चे यहाँ रहते हैं, कभी कोई भागा नहीं, ये भागा, मतलब कि इसे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि इसे यहाँ अच्छा क्यों नहीं लग रहा। जी बिल्कुल मुझे पता है, इसे यहाँ के कायदे कानून नहीं पसंद। अब क्या है ना मैडम, यहाँ पे रहना पड़ेगा तो कायदे कानून भी मानने पड़ेंगे, है ना कान्हा? कृष्णा बोलो, क्या बात है, किसी ने कुछ कहा तुमसे? किसी की कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे बताओ। बेटा बोलो, ये तुम्हारी गार्जियन है, जो भी कहना है सबके सामने खुलकर कहो। बोलो। बोलो कृष्णा, क्या हुआ था, क्यों भागे तुम? अब यशोदा जी, अब ये तो जबरदस्ती से कोई बात निकलवाने वाली बात हो गई है। अब वो कुछ नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब है कि कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आपको हम पर भरोसा नहीं है तो फिर आप ले जाइए अपने बच्चे को और किसी बहुत अच्छे अनाथ आश्रम में डाल दीजिए, मैं और क्या कह सकती हूँ। नहीं, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, मैं यही रहूंगा, अब कहीं नहीं जाऊंगा। बेटा, तुम किसी से डर कर तो ये बात नहीं कह रहे हो ना? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब। मुझे जाने दीजिए, छोड़ो मुझे, छोड़ो। पहले ही मर चुकी है, छोड़ो। देख, मैं कैसे तुझे तेरी नानी याद दिलाती हूँ, भगोड़ा कहीं का मेरे आश्रम से भागेगा, ललिता के आश्रम से भागेगा। अरे तेरे पैरों में ऐसा ब्रेक लगाऊंगी कि तू जिंदगी भर खड़ा नहीं हो पाएगा, समझा? बंद करो इसे अंधेरी कोठरी में, चल। और खबरदार, अगर तूने आज रात तक इसको खाने का एक दाना भी दिया ना तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। दरवाजे के पास मैं ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता। कौन हो तुम? ठीक से दिख नहीं रहे। मेरा नाम छोटू नहीं नंदू है, पर यह सब मुझे छोटू छोटू कह के बुलाता है। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। नंदू, नंदू, तुमने मुझे नंदू कहा, मुझे अच्छा लगा। लो, इस बात पे ये रोटी का टुकड़ा खा लो।
बता सकता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। बताओ। बता। तुम उस रोटी के टुकड़े को घूर रहे हो ना। देख, सिर्फ दो ही रोटी मिलती है यहाँ पर, एक तेरे लिए रखी थी और एक मैंने खा ली, फिर वापस से भूख लगी तो उसमें से आती और खा ली, और फिर और भूख लगी तो उसमें से आती और खा ली, अब इतनी सी बची है, जल्दी जल्दी खा ले। इतनी जल्दी जल्दी मत खा, चूहे की तरह धीरे 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 कुतर कुतर के खा, मैं भी वैसे ही करता हूँ, उससे पता है रोटी बड़ी लगती है। आंटी से डर नहीं लगता? और बहुत लगता है, उनके कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, लगता है कि वो भी खा जाएगी। पर तूने वो अच्छी वाली आंटी से शिकायत क्यों नहीं की? वो उनके बाल पकड़ पकड़ के उन्हें मारती तो कितना मजा आता ना देखने में। मेरी माँ कहती थी कि अपने लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। मम्मी, फिर तो उसे वो भूख और प्यास लगी होगी ना। हाँ, उसके होठ सूख गए थे और पेट उसका पीठ से चिपक गया था। तो मम्मी, वो चुड़ैल बहुत बुरी होगी ना। नहीं बेटा, बुरा कोई नहीं होता, हालात इंसान को बुरा बना देते हैं, पर अच्छा इंसान वो है जो अपनी गलती को मान ले और वक्त रहते ही माफी मांग ले। चलो अभी सो जाओ। पता नहीं मैं किससे और क्यों माफी मांग रहा हूं, मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं सिर्फ कृष्णा का गुनहगार हूं, ऊपर से मैंने उसे थप्पड़ और क्या रे छोटू, क्या टुकुर टुकुर इधर उधर देख रहा है, चुपचाप खड़ा नहीं हो सकता, क्या हुआ? ले अम्मा पिताजी का भूत देख लिया तूने है? नहीं मैडम, नया लड़का आया है ना कृष्णा, वो कोई दिखाई नहीं दे रहा, उसने कल से रोटी का टुकड़ा तक नहीं खाया। नहीं खाया? ऐसे कैसे नहीं खाया? मैं भोली जरूर मगर बेवकूफ नहीं, जानती खाना नहीं खिलाऊंगी तो फंसूंगी, इसलिए इतना खाना जरूर खिलाती हूँ कि तुम्हारी सांसें चलती रहे, समझा? फिर तो फंस गई मैडम, क्योंकि उसने सच में कल से रोटी का टुकड़ा तक नहीं खाया। उन्हें जाए डंडा खींच के। किधारी? जी मैडम। इस मच्छर को बता दो जरा, वो नया लड़का आया है ना, क्या नाम है उसका, कान्हा, कल रात को तूने उसको खाना खिलाया था, पता इस मच्छर को, बता।
वो? मैंने कहा था ना कि उसको खाना खिला देना थोड़ा सा। मैडम मैं भूल गया। भूल गया? अरे मरवाएगा तो मुझे, चल चल के देख उसे। मांग आए माफी। तुम्हें कैसे पता? जानती नहीं हो क्या आपको? जब तक माफी नहीं मांग लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे आप। कैसा है कृष्णा? हमारे शहर में कोई और दूसरा अनाथ आश्रम नहीं है ना? एक ही तो मुश्किल से है, लेकिन ये क्यों पूछ रहे हैं? नहीं वो कृष्णा को भूख के मारे चक्कर आ गए थे, बेहोश हो गया था, डॉक्टर को बुलाया गया था। क्या? हेलो। हाँ मैं यशोदा गुप्ता बात कर रही हूँ। क्या हुआ कृष्णा को? जी वो क्या, बेहोश कैसे हो गया कृष्णा? किस तरह के लोग हैं आप, एक बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते। मैम हमने तो खाना दिया था, उसने खाया ही नहीं। अच्छा, खाना देने भर से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है आपकी? देखना नहीं है कि बच्चे ने खाया है नहीं खाया है। मैम आप चिंता मत कीजिए, अब वो होश में आ गया है। एक बार बात कर सकती हूँ उससे? मैम अभी इस लाइन चढ़ी हुई है, आप प्लीज शाम को बात कर लीजिएगा। हाँ ठीक है। ये सारा ना उस ललिता का किया कराया होगा, उसकी शिकायत की जानी चाहिए। उससे क्या होगा, हम क्या साबित कर पाएंगे? इससे पहले कभी किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई है। हाँ क्योंकि कृष्णा और बच्चों जैसा आम नहीं है अशोक जी, वो खास है, प्रेम समझता है कृष्णा। मुझे नहीं लगता वो उस अनाथ आश्रम में रह पाएगा, उसे वहां से निकालना ही होगा। उसको वो प्रताप नगर वाले अनाथ आश्रम भेज दें? नहीं वो शहर में रहा भी है। माला की आखिरी इच्छा थी कि कृष्णा यही इसी शहर में रहे, अपने पिता के आसपास। सुनो भाई लगू, बाबूजी खुश रहो। दिल तोड़ने वाले जादूगर, ये दुकान बंद करने का समय नहीं है, स्कूल बंद करने का समय है। बाबूजी वो सन्नाटा रहता है इस टाइम, एक ग्राहक नहीं आता इस टाइम, तो करते क्या वहां बैठे बैठे मक्खियां मारते क्या? चल रहे हैं। हाँ तुम तो बस घर वाली मक्खी को ही मारते रहना, तुम्हारे बस की नहीं है दुकानदारी करनी। चोरू का गुलाम। दिखता नहीं है तुम्हें, इतना डरते हो अपने पिताजी से? हाँ अरे महुआ अब तुम मत शुरू हो जाओ, तो पहले पिताजी ने अच्छे स्थल रखा है। तो उन्होंने तला है ना, हमने नहीं, हमें क्यों अकड़ दिखा रहे हो? और एक तो तुम्हारे पिताजी जब देखो पैसा पैसा करते रहते हैं, और तुम्हारी अम्मा पोता पोता करती रहती है। हा? उनके सामने तो तुम ये मुंह नहीं खुलते हो, भीगी बिल्ली बन जाते हो, है ना? तो क्या करें, मर्जी की शादी के तो झेलना पड़ेगा ना। मैं तो तुमने की है मर्जी की शादी, हम क्यों झेले? तुम सुनो ना, और वैसे भी कोई दिल पे पत्थर रख के नहीं अपनाया हमें, सरकारी नौकरी करते हैं इसलिए अपनाया। एक तो स्कूल में पहले बच्चों को पीयूटी पट ब्यूटी बुट इन सब का मतलब समझाते समझाते हम थक जाते हैं, और फिर थक हार के घर आओ और तुम सबकी बातें सुनो। मिला बाबू थक गया है? पैर दबा दो। नहीं रात में। <जाद
अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? तुम्हारे लिए अच्छा बात मत करो, बस इतना बताओ माला बहन ने कोई चिट्ठी दी थी तुम्हें पोस्ट करने के लिए? कृष्णा अच्छे से याद करो, हम दोनों का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था, तुम किसको चिट्ठी लिखती? तुम्हारे पिता को। मेरे कोई पिता नहीं है। कृष्णा माला ने खुद कहा था मुझसे और वो चाहती थी कि तुम अपने पिता के साथ रहो। मुझे किसी के साथ नहीं रहना। कृष्णा न माला चाहती थी न मैं चाहती हूँ कि तुम अनाथाश्रम में रहो, तुम्हारा अपना घर होना चाहिए और वो कहीं पर है। अनाथों के घर नहीं होते अर्षदा मैडम, आश्रम होते हैं। यशोदा जी अगर आप मन में इतना बोझ रखेंगी तो कैसे काम चलेगा? आप ढूंढिए कृष्णा के पिता को, कम से कम आपको ये तसल्ली रहेगी कि आपने कोशिश तो की। ढूंढिए। सच कह रहे हैं आप? और क्या, आपका ये उदासी वाला चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे भी अम्मा को बोल दिया है मैंने, बस एक बार कृष्णा को उसके पिता को सौंप दूं ना। हाँ अब्दुल भैया जी। हाँ क्या, ये तो बहुत अच्छी खबर है जी। क्या खुशखबरी आ गई? उस वार्ड बॉय का नाम पता चला है जिसे माला ने चिट्ठी दी थी कृष्णा के पिता के लिए। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अब कृष्णा के पिता का एड्रेस पता चलने से कौन रोक पाएगा भला? आ गई तुम। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बैठे थे। अम्मा यहाँ बैठो ना बिटिया, यहाँ यहाँ हमारे पास। और बताओ क्या हाल? अम्मा हाल हमारे बहुत बेहाल है। अब हमारी आदत तो है नहीं सु बनाने की, लेकिन क्या बताएं अम्मा, हमारा सारा राशन पानी सब खत्म हो गया। देखो झोला लेके आए तुम्हारे पास हम। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी अरे मतलब क्या है तुम्हारा अम्मा, याद दिलाए हम कब ले गए थे हैं? अब क्या करें, खाना छोड़ दे? एक तो ऐसे घर में हमारी शादी कर दी, अब उनका टेंडर नहीं पास हो रहा है तो हम क्या करें? भूखे मर जाए, भूखे मर जाए हम, भूखे मर जाए। हमारा वो मतलब नहीं था, दुखी मत हो बेटी। अरे अम्मा है तुम्हारी, हम तो ये चाहते हैं कि घर में किसी को पता ही ना लगे कि तुम बार बार यहाँ आती हो और थैला भर भर के राशन ले जाती हो। अपनी भी तो इज्जत घटती है ना बिटिया। अभी कोई नहीं है, चलो जल्दी से चौके में राशन भर देते हैं तुम्हारा, आ जाओ। हाँ हाँ कहीं अगर उस वार्ड बॉय ने यशोदा जी को कुछ बता दिया होगा तो क्या करूं क्या करूं। अरे अशोक आज जल्दी आ गया बेटा, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। वो यशोदा आ गई? हाँ अपने कमरे में है, बाहर से आई थी, थोड़ा परेशान सी लग रही थी। अच्छा तू पानी पिएगा? नहीं मैं ले लूंगा। अच्छा
लगता है उस वार्ड बॉय ने बता ही दिया। क्या हुआ यशोदा जी? आप नहीं जानते? नहीं, जानता हूं। मेरे पास माफी के अलावा और कुछ नहीं है। आप क्यों मांगेंगे माफी? माफी तो उन्हें मांगनी चाहिए। आस्था और नुपुर को क्या था इस डिब्बे में छोटू? तुझे क्या करना है फतू? तूने तो अकेले अकेले खा लिया, हमारा हिस्सा किधर है? अब सब खत्म हो गया है। सब खत्म हो गया? ला फिर ये डब्बा दे दे। डिब्बा दे। नहीं। दे डिब्बा। नहीं। दे। तू डिब्बा दे। तेरी माँ तो मर गई है ना? भूत बन गए हैं। तो अपनी भूतनी माँ को बुलाएगा। बुला बुला। भूतनी माँ, भूतनी माँ, भूतनी माँ, कान्हा की भूतनी माँ। आंखें नीची कर, आंखें नीची कर। तुम जाओ, दोनों जाओ, जल्दी जाओ। अरे मैंने कहा था ना इसीलिए। हाँ कपड़े बदल लो, तुम्हें भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए ना बेटा। दूसरी चेयर पे बैठ जाते। क्यों बैठ जाता है दूसरी कुर्सी पे? लड़का है उसकी मर्जी, जहाँ मन है वहाँ बैठेगा। एंटर सोनू जी का बात कर रही हूँ। जी जी, क्या शिक्षा दे रही हो आप? लड़का लड़की में कोई भेद नहीं होता, सब सब बराबर होते हैं। तुम्हारी नजर में होता होगा भाई। अब हमारी आदत तो है नहीं इसको बनाने की, पर एक बात बता। अब देखो अभी तुम्हारी दो परियां आए हैं, अब टाटा बाय बाय करके चली जाएंगी अपने ससुराल। वंश तो लड़का चलाता है ना। अब सोनू है ना, अब सोनू चलाएगा। अब सोनू, तुम्हारे मामा जी कह रहे हैं कि लड़का लड़की सब बराबर होते हैं, तो मान लो है। सोनू ऐसे कैसे मान ले, जो सच है वो सच है। वंश तो लड़के ही चलाते। सोनू बुरा नहीं मानना, कोई आफत नहीं आ रही, एक ड्रेस ही खराब हुई है, धुल जाएगी। तू खाना खा बेटे। हल्दी के दागे आसानी से नहीं जाएंगे। कैसे नहीं साफ होगा हल्दी का दाग? जसोदा तुम टीवी नहीं देखती हो क्या है? वो हीरोइन आती है और बोलती है कपड़े में लग जाए दाग तो इस्तेमाल करो हमारे साबुन का झाग। पर तुम्हें तो हर बात में इशू बनाना है ना। दे देना ये फ्राक, हम करा देंगे वो ड्राई क्लीन। चलो तुम दोनों कपड़े बदलो। पैसे क्या जीजा जी देंगे? देंगे।
वही देंगे। अब तुमको बता देते, तुम्हारे जीजा जी का ना भूसे के गोदान में इल्लियां साफ करने का टेंडर पास होने वाला है। मारेंगे तुम्हारे मुंह पे पैसा। सिर्फ हम लोगों को ही क्यों बुलाया सामान उठाने के लिए? मैडम ने कहा है, सामान दो इनको। ओहो, देखो इसे अंदर मैडम से छड़ी खाते हुए बड़ा सोनी देओल बन रहा था। क्यों, अब क्या हो गया माँ के लाडले? मेरी माँ का नाम मत लेना। हा? क्यों, क्या कर लेगा तू? तू क्या कर लेगा बताओ, तुझे मैं क्या कर लूँगा? क्या कर लेगा बता। क्यों, क्या मरना अच्छा नहीं होगा? क्या अच्छा नहीं होगा? क्या अच्छा नहीं होगा? क्या अच्छा नहीं होगा? मेरा मतलब था कि अगर कृष्णा को चोट लगी तो वो सामान नहीं उठा पाएगा और फिर सामान तुम लोगों को उठाना पड़ेगा, तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम लोगों की? चलो चलो सामान उतारो तुम लोग। जीजी तुम इतना डाउट काहे करती हो? थोड़ा अपने स्वभाव को बदलो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये माला कहां से आई? क्या था ये जीजी? क्या था ये? अरे भाई, हम तो इस माले के बारे में बात कर रहे थे। तुम्हें तो पता ही है ना कि हमारी आदत नहीं है इसे बनाने की, पर चोर की दाढ़ी में तिनका। जीजी आज के बाद ये नाम इस तरह से इस घर में मत लेना दोबारा, ठीक बात नहीं होगी। अरे भाई, अब तुम तो बुरा मान गए। मजाक करने वाली बात नहीं है जीजी जी, और अगर ये मजाक था तो बहुत ही बेहुदा मजाक था। मजाक कर रहे थे बाबूजी, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं आपका। चलो नहीं बोलते भाई, बोलेंगे तो हमारे ही नुकसान। अब अगर भाई नाराज हो गया तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा? पर ये माला है बड़ी कमाल की चीज, फूलों का हार भी बन सकती है और गले का फंदा भी। आ चुप क्या, पर वक्त वक्त की बात है, कब किसे और कहां इस्तेमाल करना है, कामनी से भीतर कोई नहीं जानता।